देश में लगातार हो रही हिंदूवादी नेताओं और बंगाल आसाम में हो रही हत्याओं के रोकने के लिए उज्जैन के भाजपा युवा नेताओं ने जिला प्रशासन को आदेशित करते हुए उज्जैन एसपी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि देश में हो रही असहिष्णुता पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में हुए युवा नेता कमलेश तिवारी की हत्या और बंगाल असम में हो रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को प्रशासन अनदेखा कर रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश युवा परिषद के युवा नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में रैली के रूप में टावर चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान करवाकर राष्ट्रपति के नाम उज्जैन के एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। सभी युवाओं की मांग थी कि हिंदू समाज के लोगों की हत्या पूरे देश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी, पश्चिम बंगाल और साथ ही असम और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जिस पर प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इस पर युवाओं ने दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देने की भी मांग की। युवा भाई, युवा साथी, मध्य प्रदेश युवा परिषद के तत्वाधान में टावर चौपाटी पर इकट्ठे होकर पहले हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर करवाने का जो लक्ष्य था वो ये था कि लगातार देश में जो असहिष्णुता का माहौल फैला हुआ है, लगातार हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही है, हिंदू समाज के ऊपर आघात किए जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल की घटना हो या आसाम की घटना है, प्रशासन इन सब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए हम सब युवा साथी एकजुट होकर इन सारी घटनाओं का विरोध दर्ज कराने और इस देश के राष्ट्रपति महामहिम जी के को एक ज्ञापन देने यहाँ आए थे।